हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज हम वाक्य को पढ़ने जा रहे हैं, यानी उपवाक्य को मैंने कल पढ़ाया, उससे पहले पदबंध को पढ़ाया। आज जो उससे सबसे ऊपरी सीढ़ी है यानी वाक्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार जो सिलेबस में है उन सारी जो है विधानों के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे कि व्याकरण में कौन कौन से ऐसे विधान वाक्य से संबंधित हैं और आपके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, उस अनुसार हम पूरी चीजों को यहां पढ़ेंगे। तो अभी भी जो लोग 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत जुड़ने चाह रहे हैं, जितने भी वीडियोज हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं वो तो वीडियोज आपको मतलब फ्री एसेस होंगे ही, लेकिन अगर आप इन सभी नोट्स की पीडीएफ और क्विजेस चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो आपको 3 महीने के लिए हमारा प्लान लेना होगा 499 का, मतलब एक नाम मात्र का शुल्क है, ये सहायक राशि रखी गई है, जिससे कि आपको डेली बेसिस पर हम हर एक नोट्स बेहतर ढंग से और क्विजेस ये सारी चीजें अनवरत रूप से उपलब्ध कराते रहे। इसके लिए हमने एक नाम मात्र की सहायता राशि रखी है। इसमें जितनी भी क्लासेज हम आपको दिन में चलाएंगे उन सभी की पीडीएफ आपको देते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी एक विधिवत ढंग से केंद्रित दिशा में चलती रहे और आप कुछ दिनों के बाद जब आप पढ़ें तो आपको यह स्वयं से एहसास होगा कि अब मुझमें पहले की अपेक्षा कुछ और चीजें अपडेट हुई है। ठीक है, तो भैया जब तक दशा सही आपकी तभी होगी जब आपकी दिशा सही होगी, और जब दिशा और दशा दोनों सही होगी तब सफलता होगी। ये चीज आपको भी मालूम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि सर एक नंबर दो नंबर से लगातार रह जा रहे, 3 साल से तैयारी कर रहे जो है नहीं जा रहा। उसमें आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अनवरत प्रयास और दिशा में भटकाव है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगर देखो कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र है ना कि आप लगातार पढ़ते रहे किसी भी विषय को, है एक ही किताब है, उस किताब को आप 10 बार पढ़िए 10 किताबों को एक बार पढ़ने की अपेक्षा। ठीक है, अगर एक किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना उस बुक पर कमांड होगा कि आप यह बता देंगे कि फला पॉइंट फला चैप्टर जो है फला पृष्ठ पर दिया हुआ है। तो ऐसी महारत आपको हासिल करनी है जब आपको लोगों को सामने वाले बंदे को लगे ये तो किताब रटे बैठा है, ठीक, तब आप समझिए कि आप एक सही एस्पिरेंट के जो है काबिल बने हैं। तो वैसी मेहनत करिए, बाकी हर एक चीजें बेस्ट होंगी जब आप एक सही दिशा में एक सही निर्देशन में काम करेंगे। अभी लोअर में जो हुआ है फाइटिंग बड़ी अच्छी है, लगभग 15 गुना कहा लेकिन 22 गुना के करीब गई, क्योंकि उसमें जितने उसके आसपास कट ऑफ वाले लोग थे सभी को बुला लिया गया। ऐसा लोक सेवा आयोग करता रहा है तो वैसा भी इसने किया। ठीक है, तो पहले से ही थोड़ा सा फॉलो करना उसको दिख गया है। अभी लोअर मेंस को लेकर के टीम बहुत विचार विमर्श कर रही है, हम एक नया प्रोग्राम बहुत अच्छा ला रहे हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, उस प्रोग्राम में आप किसी भी परीक्षा लोअर मेंस देना है या नहीं देना है आप अगर ज्वाइन करते हैं तो डेली बेसिस पर हर एक सेक्शनल टेस्ट होता है, उसके बाद वीकली आपको फुल टेस्ट मिलता है। 25 टेस्ट हम करवा रहे फुल में, सेक्शनल हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, मतलब हर एक चीजें डेली बेसिस पर चल रही। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, उनका जो लेवल होगा, हम कई चीजों को एक साथ कवर कर रहे हैं। ट्रिपल एससी को हम जानते ही हैं, टीसीएस के भी पैटर्न को जानते हैं जो अलग अलग परीक्षाएं करवा रही, साथ ही साथ लोअर पीसीएस इससे पहले यूपी पीसीएस में था, तो हर एक चीजों को बड़े अच्छे डायमेंशन के द्वारा कवर किया जाएगा। तो उसमें आप लोग बिना किसी संकोच के, ठीक है, एडमिशन लीजिए, क्रैश कोर्स से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके हित मित्र हुए हैं, क्योंकि फाइट भैया अच्छी है और पोस्ट इतनी जबरदस्त है, ठीक है, कि अच्छे अच्छे पदों को धारण करने वाले लोग ईओ की पोस्ट के लिए आपके साथ हैं, तो आपको उनको अगर कंप्लीट करना है तो तैयारी बेहतर करिए। और यह मत सोचिए कि कोई संस्था का हम मार्गदर्शन नहीं लेंगे सब कुछ होगा। संस्थान का मार्गदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर स्वयं से सारी चीजें करते हैं तो हो सकता है आप कंटिन्यू ना रह पाए, एक दिशा आपकी भटक जाए और संस्थान की वही जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह हर दिन आपको हर एक क्लास में कुछ ना कुछ बेहतर देगी, कहीं ना कहीं एक नई सोच आपके अंदर पैदा करेगी। तो टीम के साथ जुड़िए, और जो कोर्सेस चल रहे हैं चाहे ईपीएफओ को लेकर के है, चाहे हमारा लोअर मेंस को लेकर के है, या नहीं कोर्सेस चल रहे पीसीएस प्री को लेकर के है, आप अगर जो है टेस्ट लेना चाह रहे हैं, मटेरियल लेना चाह रहे हैं, बाकी सारे वीडियोज आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, इनको देखिए, सारी हर एक चीजें कवर होती रहेंगी। तो आज आपको जो है हेडिंग जो डालनी है वह डालनी है वाक्य।
हालांकि इससे पहले इससे बहुत ज्यादा आप लोग चिर परिचित होंगे, अंग्रेजी व्याकरण जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां आपने सेंटेंस को पढ़ा है। याद करिए जब मैंने हिंदी आप शुरुआत की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने सबसे पहला पॉइंट शुरू किया था कि आज हम वर्ण को पढ़ रहे हैं यानी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने इसी में अक्षर निर्माण से प्रक्रिया के बारे में बात किया था, उसके बाद हम शब्द निर्माण की ओर बढ़े थे, शब्दों के बारे में मैंने विधिवत आपको बताया, उसके बाद फिर मैंने शब्दों के सभी जितने भी आपके विशेष प्रकार होते हैं उनको बताया, इनसे जुड़ी व्याकरणिक कोटियां पढ़ाई, उनके बाद मैंने आपको पद के बारे में समझाया, पद के बाद हम लोग पदबंध की ओर बढ़े, ठीक, इसको ढंग से पढ़ा, पदबंध के प्रकार को सीखा, उसके बाद हम लोग कहां पहुंचे, हम लोग पढ़ गए उपवाक्य को, आज उपवाक्य से सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, इसको पढ़ने जा रहे, तो हम नीचे से जो है एक एक स्टेप जो है चलना प्रारंभ किए और आज सबसे ऊपरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं, यानी आज हमें वाक्य को पढ़ना है। सबसे पहले ये सारे स्टेप हमारे जो होते हैं हिंदी व्याकरण में, इनसे संबंधित सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, तो आज सबसे बड़ा पॉइंट है वाक्य। अगर देखा जाए तो वाक्य आप समझते हैं, उपवाक्य की परिभाषा में हमने यह सीखा कि जब जो है किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह कई खंडों में विभाजित हो जाता है और हर एक खंड जिसमें विधेय और आपका उद्देश्य दोनों होता है वह एक उपवाक्य कहलाता है, उसका अर्थ प्रकट होता है। यहां आप बोल सकते हैं पदों या शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य होता है, ठीक है, जो एक कंप्लीट आपका पूरा सेंस देता है, संपूर्ण अर्थ देता है वह वाक्य होता है। उपवाक्य में शर्त बची रहती थी, क्रिया भी होती थी, उद्देश्य भी होता था, विधेय भी होता था, लेकिन एक शर्त बाकी रह जाती थी क्योंकि उसमें एक प्रधान हो जाता था, एक आश्रित हो जाता था। यहां पर हर एक बातें आपकी फिनिश होंगी, ठीक, वह वाक्य के अंतर्गत होंगी, यानी पदों या शब्दों का ऐसा समूह जो एक संपूर्ण अर्थ को देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य जो बनते हैं, वाक्य आपके दो प्रकार से बनाए जाते हैं, इसका एक पहला होता है रचना के आधार पर वाक्यों का निर्माण, ठीक, दूसरा जो इसका आधार बनता है वह होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य, ये दो पॉइंट आपके बनते हैं, ठीक, इन्हीं दोनों को समझना है। और जो ट्रिपल एससी है इसके अनुरूप अगर सिलेबस को देखा जाए ग्रेजुएट लेवल के और आपके टेंथ प्लस टू लेवल के, तो उसने अर्थ के आधार पर वाक्यों को नहीं आपके सिलेबस में शामिल किया, केवल रचना के आधार पर वाक्यों को शामिल किया है। तो रचना के आधार पर वाक्यों को आज हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के विभेद तीन होते हैं, पहला होता है आपका सरल वाक्य, ठीक, जिसको आप साधारण वाक्य भी बोलते हैं, दूसरा जो होता है यह संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा जो आपका बनता है वह बनता है भैया मिश्र वाक्य। तो इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है आज और ढंग से समझना है, क्योंकि यहां से पहचानने को लेकर के जो 25 प्रश्न अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनमें से लगभग तीन प्रश्न यहां से बनते हैं, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तीन प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। यह टॉपिक जो है ये टॉपिक आपका उसमें भी पूछा जाता है, सी सेट में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी इसमें से दे देता है, तो ऐसे प्रश्न वहां पर भी मिलेंगे। तो आज इन्हीं को आपको बहुत ढंग से समझना है। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं दिए गए हैं, नोट्स में मैंने बाकायदा दे दिया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है, कैसे पहचान करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में, जैसा नाम है इनका, मैंने वो सारी चीजें आपके सामने रख दी कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा माहौल ला। अब हम एक एक स्टेप को बहुत ढंग से शुरू करते हैं। ये एक तरीके से आज का सारांश रहा कि इन चीजों पर हमें बात करनी है। देखिए, वाक्य में सबसे पहले मैंने बताया कि शब्दों का एक सार्थक समूह होना चाहिए, वही वाक्य है। सार्थक मतलब जो पूरा अर्थ देता हो, पूरी चीजें आपको पता चलती हो, वही समूह आपका क्या होगा, एक वाक्य होगा। सार्थक का अर्थ अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य होगा। अब वाक्यों के वर्गीकरण में अगर इसमें उदाहरण को देखें तो जैसे मैंने लिख दिया कि राम बाजार जाता है, अब यह अपने आप में एक वाक्य है, राम बाजार जाता है, सीता खाना खाती है, बालक खेलता है, जो है मोहन विद्यालय जाता है, ये सब वाक्य हो गए, अपने आप में कंप्लीट सेंस को दे रहे हैं, ठीक है।
अब वाक्यों का वर्गीकरण मैंने बताया कि दो आधार पर किया जाता है। पहला आधार होता है रचना के आधार पर और दूसरा जो होता है वह अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर से जो प्रस्फुटन होगा हमारे मनोभाव के अनुरूप होता है। हम किसी से किसी को आज्ञा दे रहे, किसी से साधारण में हाँ ना कह रहे, किसी से प्रश्न पूछ रहे, ऐसे तमाम जो हमारे मनोभाव होते हैं उस अनुरूप जो वाक्य हमसे निकलते हैं उन्हीं वाक्यों को इस अनुरूप जो है विभाजित किया जाता है कि इनका अर्थ क्या है। अब ध्यान दीजिए, अगर रचना के आधार पर जो आपके सिलेबस में है यूपी ट्रिपल एससी केवल रचना के आधार पर आपसे सवालों को पूछता है तो यह विभेद आपका तीन प्रकार बनता है। एक आपका सरल वाक्य या साधारण, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य या इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब एक एक परिभाषाओं को हम देखते हैं कि सरल वाक्य है तो इसकी परिभाषा क्या होगी। सरल वाक्य यथा नामे जथा गुड़े भैया बहुत सीधा सा है, यानी जहां पर एक ही सब्जेक्ट मिले और एक ही आपको क्या मिले, क्रिया मिले। ठीक, एक जो है क्रिया मिल जाए और एक ही कर्ता मिल जाए या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय मिले वह सरल वाक्य होता है। एक कर्ता है तो एक उसकी क्रिया है। राम विद्यालय जाता है, मोहन खाता है, रमेश रोता है, एक कर्ता है एक क्रिया है। ये चीजें क्या हो गई, एक उद्देश्य एक विधेय है। तो यहां से जो वाक्य का प्रकार बनेगा यह वाक्य का प्रकार आपका क्या होगा, सरल वाक्य होगा या साधारण वाक्य होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। जैसे सरल वाक्य के उदाहरणों को समझे, अमित खाना खाता है। अब यहां पर जैसा वाक्य दिया हुआ है, ठीक, इसमें समझिए, एक तो आपका जो दिया हुआ है यह आपका उद्देश्य दिया है, ठीक, और दूसरा जो बाकी बचा है यह सब कुछ आपका विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय में अगर हम देखें, यानी एक उद्देश्य मिल गया और बाकी चीजें विधेय मिली, एक विधेय एक उद्देश्य दोनों शामिल है, या इसको अगर आप इस अनुरूप सोचना चाहें तो अमित जो यह नाम है यह करता है, इसमें कार्य को करने वाला है और बाकी जो चीजें लिखी है खाना खाने का जो कार्य हो रहा है यह क्रिया है। यानी एक कर्ता और एक क्रिया हमें मिल गई तो यह क्या होगा, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे इसी में देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां राम रामू लिखा है, ठीक है, रामू पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक पढ़ता है इसको अगर आप उद्देश्य और विधेय में डिवाइड करें तो रामू आपका उद्देश्य दिया हुआ है, ठीक, और जो आपका बाकी बचा पार्ट है यह विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिल रहा, यह सरल वाक्य है। अगर दूसरा आप कर्ता और क्रिया देखना चाहो तो यहां रामू कार्य को करने वाला है तो रामू क्या है, रामू कर्ता हो गया और पढ़ने का कार्य कर रहा तो यह क्रिया हो गई। यानी कर्ता मिल रहा एक और क्रिया भी हमें एक मिल रही, तो ये दोनों एक एक मौजूद हैं, इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण होगा। समझ गए होंगे कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आएगा परीक्षा में कि उपरोक्त में से कौन सा सरल वाक्य है या इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, ऐसे पहचानना होगा। तो यहां पर उन्हीं चीजों को हमें सीखना है। अगला एक उदाहरण मैंने लिखा है कि मीना नाचती है। अब यहां देखिए, मीना जो है उद्देश्य है, बाकी नाचने का कार्य यह जो पूरा है यह विधेय बन रहा। इसको ऐसा भी बोल सकते कि यह करता है और ये नाचने का उसका क्या है, काम है, क्रिया है, नाचने का कार्य करती तो वह क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सरल वाक्य के कुछ और उदाहरणों को मैंने यहां लिखा है। सोहन जो है रोहन खेलता, मीता दौड़ती, आकाश भागता रहता, इन सभी में एक कर्ता और एक आपको क्रिया मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, वाक्य रूपांतरण अगर कहीं पर आ गया कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं, उदाहरण समझ लो, क्योंकि ऐसे ही उदाहरण वहां देता है। मिश्र वाक्य दे दिया, सरल वाक्य दे दिया, अब उसमें से चारों ऑप्शन में तीन आपका सरल वाक्य डाल दिया, एक मिश्र डाल दिया। अब आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है, पहचानिए। ठीक है, जैसे एक सरल वाक्य का यहां उदाहरण लिखा है कि उसने अपने भाई का खाना खाया। उसने अपने भाई का खाना खाया, कर्ता भी है और क्रिया भी है, सरल वाक्य का उदाहरण है। इसको मिश्र में आपको जब बदलना होगा तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमें जो बदलना है, उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। ठीक, उसने अपने भाई का खाना खाया, जब इसको मिश्र में बदलेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आपको मिलेंगी कि आप इसको उपवाक्य में भी तोड़ देंगे यहां। ठीक,
उपवाक्य में भी तो यही था कि एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता था, यहां पर भी वही चीजें निकल के आ रही। ऐसे सरल वाक्य दूसरा लिखा है कि भारतीय लोग संस्कारी होते हैं। ठीक, भारतीय लोग संस्कारी होते हैं, यह सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में जब बदलना है तो यहां मिश्र वाक्य आपका ऐसा बनेगा कि जो लोग भारतीय होते वह संस्कारी होते हैं। ठीक, अब यह आपका बदल गया किसमें, मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य ऐसा नहीं होगा, मिश्र वाक्य को बहुत ढंग से समझिएगा क्योंकि संयुक्त और मिश्र में आपको जो है हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो इन सारी चीजों को ऐसे हम परिवर्तित करते हैं। जैसे ईमानदार आदमी का सभी सम्मान करते हैं, अब यह आपका ईमानदार आदमी एक तरीके से क्या हो गया, सब कुछ उद्देश्य के तौर पर यहां हो गया। ठीक, अब इसमें जब आप जो है मिश्र वाक्य में बनाओगे तो यहां ईमानदार आदमी को कैसे लिखा गया, जो आदमी ईमानदार होता उसका सभी सम्मान करते, यह मिश्र वाक्य बन गया। ठीक, समझे, ऐसे ही सारी चीजें इसमें उदाहरण होती हैं। अब सरल वाक्य से अगर संयुक्त वाक्य परिवर्तित करना है तो कैसे होगा, ये तो सरल से मिश्र था, अगर सरल से संयुक्त में परिवर्तन देना है तो देखिए एक सरल वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है कि साहिल हंसकर बोला। ठीक, जब संयुक्त वाक्य आता है तो संयुक्त वाक्य में जोड़ने के लिए जो आपको मैंने इससे पहले पढ़ाए जो है कुछ उदाहरणों को कुछ शब्दों को बताया था कि जब जोड़ना कहीं पर होगा वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ना होगा, दो उपवाक्यों को जोड़ना होगा, तो वहां कोई ना कोई एक विशेष शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां जैसे पहला शब्द यहां लिखा है, पहला वाक्य लिखा है कि साहिल हंसकर बोला, अब यह सरल वाक्य हो गया भैया। ठीक, दूसरी चीजें इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो तो यहां आपका होगा साहिल हंसा और बोला, यहां पर एक ऐसा शब्द हमने लिखा जो जोड़ने का कार्य करता हो, साहिल हंसा और बोला, अब यह संयुक्त वाक्य हो गया, दो क्रियाओं को एक साथ हमने जोड़ दिया। अगला सरल वाक्य लिखा है आयुष आते ही खेलने लगा, अब इसमें संयुक्त वाक्य जब आप बनाओगे तो यहां लिखोगे आयुष आया और आते ही खेलने लगा, ये संयुक्त वाक्य हो गया, दो वाक्य इसमें स्पष्ट रूप से आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगला सरल वाक्य लिखा है कि अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, अब ऐसे जब सरल वाक्य देगा और मिश्र वाक्य आपको पहचानने को बोलेगा तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लिखा है अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, इसका संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो वह क्या बनेगा कि वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल नहीं हो सका, मतलब और इसलिए क्योंकि चूंकि, ऐसे आप जो है दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग इसमें करेंगे जहां पर भी होगा। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं इनको समझें, एक ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, या इसके लिए कंडीशन होती है कि सभी के सभी उपवाक्य आपके प्रधान होते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य, इसमें सभी आपके उपवाक्य कैसे होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं, ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, यौम संयोजक अव्यय इन वाक्यों को मिलाते हैं। मैंने बताया ना कि जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनका प्रयोग यहां पर किया जाता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ऐसे शब्दों के द्वारा इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरण को समझिए। मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। ठीक, अब यहां अतः मिल गया। ठीक, अब इसमें दो सरल वाक्य लिखे थे, मीना बहुत बीमार थी इसलिए जो है स्कूल नहीं आई, अतः वह स्कूल नहीं आई। अब इसमें दो सरल वाक्य थे, दोनों को मिक्स किया गया और उनसे क्या बनाया गया, एक संयुक्त वाक्य बनाया गया और वह किसके द्वारा, एक संयोजक आपका अव्यय जोड़ा गया, उसके माध्यम से इसको बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, मैं आया और वह गया, मैं आया और वह गया। अब इसमें भी दो अलग अलग हैं, दोनों आपके प्रधान उपवाक्य हैं और दोनों को मिलाया गया है एक संयुक्त शब्द के द्वारा, इसलिए यह क्या होगा, यह एक संयुक्त वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरणों को और मैंने लिखा है कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा,
प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यह वाक्य आपका आया हुआ है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, अब यहां पर जुड़ा है ना, प्रिय बोलो अपने आप में कंप्लीट है, पर असत्य नहीं यह भी कंप्लीट है। तो दो प्रधान वाक्य हैं और दोनों को क्या किया गया, दोनों को यहां पर मिलाया गया। अब वाक्य रूपांतरण सीखते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक संयुक्त वाक्य कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यह संयुक्त वाक्य है भैया। इसको सरल वाक्य में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि वह सुबह जाकर शाम को लौट आया, यह आपका सरल वाक्य बन गया, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। ऐसे एक दूसरा दिया है संयुक्त वाक्य आपका कि दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। अब इसको जब आपको परिवर्तित करना होगा सरल वाक्य में, तो सरल वाक्य में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, दिन ढलते ही अंधेरा बढ़ने लगा, ठीक। ये सरल वाक्यों में इनका परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, मिश्र वाक्य को पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य को समझिए। मिश्र वाक्य की जो परिभाषा बनती है भैया कि ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, यानी एक सरल वाक्य हो उसके साथ साथ दूसरा उसमें उपवाक्य जुड़ा हो। संयुक्त वाक्य में क्या था कि संयुक्त वाक्य में आपको कि हमेशा जो उपवाक्य मिलेंगे वह प्रधान उपवाक्य मिलेंगे, यहां पर सरल वाक्य के साथ उपवाक्य मिलेंगे, इन्हीं को समझ लीजिए। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता मिश्र वाक्य में। इसीलिए आपको उपवाक्य पढ़ाना मैंने जरूरी समझा ताकि ये सारी समस्याएं आप पहले से इनसे अवगत रहें और चीजों को बहुत आसानी से समझ ले जाएं, ठीक है। जहां मिश्र वाक्य पहचानना होगा वहां इस बात पर जोर जो है आपको जरूर गौर करना है कि इसमें प्रधान वाक्य और अगर आश्रित उपवाक्य दिए हैं तो यह मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, किसमें, आपके मिश्र वाक्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें जो आश्रित उपवाक्य होता है उस आश्रित उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आपस में कि जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम यहां करते हैं स्पष्ट रूप से। अब इनके मिश्र वाक्य के उदाहरण लिखा हुआ है, पहला कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, या आया हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें पहला जो आपका दिया हुआ है वह कौन सा मनुष्य है, बीच में जुड़ा है जिसने, ठीक, तो यह किसका उदाहरण बन गया, ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा, एक वाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर पूरी तरीके से निर्भर है, इसलिए यह किसका उदाहरण बनेगा, यह उदाहरण बनेगा आपका मिश्र वाक्य का। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला है जैसे अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था, अब यहां जो आपका वाक्य दिया है, ठीक, यहां पर भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कि इसमें दो आपके उपवाक्य दिए हुए हैं, किससे जुड़े हैं, जो से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों, ठीक। एक जो आपका वाक्य है वह दूसरे पर डिपेंड है, यानी एक प्रधान वाक्य है दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है, तो यहां प्रधान और आश्रित दोनों वाक्य आपको मिलेंगे, उपवाक्य मिलेंगे, और क्या होगा, उनके बीच में एक ऐसा संयोजक शब्द होगा जो कहीं ना कहीं आपको पहचान में आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मिश्र वाक्य के कुछ और उदाहरण यहां पर मैंने लिख दिए हैं। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी मां है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे और नहीं करोगे तो पास कर दिए जाओगे, इस बार जैसा कोरोना जैसा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर जो है अच्छे नहीं बनते, ये सब जो उदाहरण लिखे हैं भैया ये सब मिश्र वाक्य हैं। अब वाक्य रूपांतरण सीख लो, क्योंकि जब सरल से मिश्र में बदला तो अब मिश्र से सरल में बदल लो, ठीक। जैसे एक मिश्र वाक्य लिखा है कि जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, ठीक है, दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, ये मिश्र वाक्य है। अब इसमें आप सरल वाक्य में बदलोगे तो दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया, ठीक। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह आपका वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक यहां पर पूरा है, एक उपवाक्य यह है, दूसरा उपवाक्य यह है, वाक्य यह है, इन दोनों को जोड़ रहा है, वो भी मौजूद है। अब इसको संयुक्त में जब आप बदलोगे तो उसने अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया, ठीक।
ऐसे आपको हमेशा मिलते रहेंगे, इन्हीं को आपको सीखना है। बाकी चीजें मैंने आपको जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर आठ प्रकार बनते हैं, जैसे विधानवाचक होता है, इच्छावाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादिबोधक होता है, संकेतवाचक होता है और संदेहवाचक होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं जो इनके अलग अलग जो है अर्थों के आधार पर लिए जाते हैं। चूंकि ये परीक्षा में है नहीं, मैंने पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको नोट्स में दे रखा है, तो वाक्यों से संबंधित चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब हमारी प्रमुख टॉपिक जो है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब बचते हैं। बाकी व्याकरण से संबंधित आपकी सारी क्लासेज, अब जो है एक आपका हिंदी साहित्य का पोर्शन रह गया है, हिंदी साहित्य किसी दिन मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी चीजें अब आपको सिर्फ पढ़ने पढ़ने की हैं। इनमें जो चीजें जैसे आगे फिर से जब मैं जो है उत्तर प्रदेश आपका एसआई हो गया या इन सब के लिए फिर से हिंदी पढ़ाऊंगा, तो जो चैप्टर इसमें बाकी रह गए हैं उन चैप्टर को मैं उसमें कवर करूंगा। जैसे अलंकार इसमें नहीं आता कभी भी, ठीक, वह केवल यूपी एसआई में आता है। छंद, ये सारी चीजें यूपी ट्रिपल एससी में नहीं है, ये सारी चीजें यूपी एसआई में है, तो वहां पर मैं सारी चीजें जैसे छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीजें मैं उत्तर प्रदेश एसआई का जब बैच पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें फिर से एक बार हिंदी वो पूरा कवर होगा। बाकी इसमें जो कुछ है वो क्लासेज आपको अगले वीक में मैं जब फिर से इसका टर्म होगा उसमें समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।